भाई किस किस को ब्लर करना है बता दो, कौन कौन ब्लॉग में ब्लर होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ब्लॉग में किसी को? आज क्या हो रही है, 5-6 दिन से आज एकदम बहुत ज्यादा हो गया। बस बस तीन आइटम है, एक कबाब नहीं लगा दिया कोई से खा रही। अब देखो बहुत हो गया, अच्छा लेते हैं बहुत सारा कबाब लेकर आओ यार, इसकी क्या बच्चा मिलती हो, एक गिलास लेके आना चाहिए थे, ग्लास ग्लास क्यों ग्लास, हाथ ठंडे हो रहे हैं ना, ठंड में बहुत ज्यादा। खाना किसका खाते हैं? मम्मी कह रही ग्लास ग्लास ये रखे हैं। अच्छा है। हेलो मरहबा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। तो इंट्रो हुआ हुआ अभी मुझे काफ़ी टाइम हो गया, तो दिल करा कि इंट्रो दे दूँ। तो जी ये थी ताबिश की बारात और ये है ताबिश की दुल्हन, बड़ी खूबसूरत सी माशाल्लाह माशाल्लाह। और जी बस आपने पूरा व्लॉग तो देख ही लिया है, अब तो हम बिल्कुल एंड पर आ गए हैं। और मैं व्लॉग बिल्कुल भी शूट नहीं कर पा रही थी क्योंकि क्या था ना कि हानिया, ये फर्स्ट फंक्शन था, मतलब जब हम पहुँचे उसके नेक्स्ट डे ये फंक्शन था, और हानिया इतनी डर गई थी पटाखों से, तो वो डरती थी। तो जब बारात आई तो पूरा फायरवर्क हुआ, पटाखे हुए, तो हानिया डर गई। और हानिया मतलब अपने पापा की गोद में भी नहीं जा रही थी, तो इस वजह से मैंने जो जो सोचा था कि हाँ मैं ये व्लॉग इस तरह शूट करूँगी ऐसे करूँगी, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। और बस जैसा भी व्लॉग मैं बना पाई हूँ फर्स्ट डे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, खाना भी नहीं मैं खा पाई थी, और बस मैं हानिया को देख रही थी, एक नहीं वाला खुद खा रही थी। तो बस यहाँ पर अब हम लोग घर पर जा रहे हैं, रुखसती हो गई थी, और रुखसती की भी मैं फ़ोटो वीडियोस नहीं ले पाई थी क्योंकि मैं हानिया को लेके पहले ही आ गई थी। और जी दुल्हन हमारे घर में आ गई है, और अब यहाँ पर हम थोड़ी सी मस्ती कर रहे हैं, और यहाँ पे फ़ोटोशूट वगैरह चल रहा था। यहाँ पर भी मुझे मतलब बुलाया कि आ जाओ, फ़ोटोशूट चल रहा है, दुल्हन आ गई है, क्योंकि मैं नीचे ही थी, यहाँ पर सब बैठ गया, फिर मैं बाद में मेरी एंट्री हो रही है, मतलब मेरा सारा का सारा ना प्रोग्राम ऐसे ही हो गया। मामा मामी भी कहते कि लग ही नहीं रहा है कि मैं आई हुई हूँ, और पता ही नहीं चल रहा है। और अब मैं पीछे से आ रही हूँ पगड़ी पहन के, कुछ मुझे समझ में नहीं आता कि पगड़ी क्यों पहन रहा है वो, मैं जल्दी से, क्योंकि हानिया रो रही थी, इस सीन में भी आएगा कि मैं आ रही हूँ, देखिए मैं बोल रही हूँ कि मैं आ रही हूँ और हानिया रो रही थी, मैं फटाफट फ़ोटोशूट करा के भाग गई। और जी बस यहाँ पर हो रही है खीर चटाई, ये रसम होती है, दुल्हन के हाथ में खीर रखी जाती है और दूल्हे को खानी होती है बिना मुँह ख़राब करें, और सब लोग मतलब उसका दूल्हे का मुँह ख़राब कर ही देते हैं एट दी एंड। तो जी खैर बस आज का ब्लॉग बहुत ही छोटा सा है मेरा, और इंशाल्लाह करते हैं कंटिन्यू दूसरे ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।